आप पे मस्बत असरा जनाब जुनैद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई और रात शुरू करते हैं आज का इसमें आज में हम इसका मेहरबान जुनैद सलीम बड़ी शदीद ज्यादती की है जी। इन्होंने आज का हस्ब हाल करके इन हालात में हस्ब हाल 13 साल पहले शुरू किया था हमने और मेरे सामने जो टेबल पड़ी है वो आप समझते होंगे कि शायद वो कोई हाथ रखने के लिए है, वो असल में मेरा पेट छुपाने के लिए रखी हुई है। और 13 साल से वो मुकाबला मेरे पेट का और उस टेबल का जारी है। हर साल उसकी ऊंचाई 2 इंच ज़्यादा हो जाती है और मेरे पेट की मोटाई 2 इंच ज़्यादा हो जाती है। ना वो रुकने का नाम लेने का ना मेरा पेट। हर साल ये इरादा करता हूँ कि जी ये अगले साल ये टेबल हटा दूंगा, लेकिन वो टेबल माशाल्लाह मेरे बड़े बेटे से बड़ा हो गया है। दूसरी बात ये है कि जी हस्ब हाल बिल्कुल मतलब अजीजी के बगैर हस्ब हाल ऐसे ही है जैसे इन फूलों के बगैर खुशबू के बगैर ये फूल ये फूल जो है कि परसों के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये 7-8 भूखे हैं और उनमें 40-50 अब मुझे पक्का यकीन है प्लास्टिक के फूल है और अगर ताज़ा है तो इतने इसको पानी देने के इनको जवान किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि बीसी साहब के जब बड़े बेटे की शादी होगी उसमें भी यही फूल रखे होंगे। तीसरा मेरा इतराज मुझसे बड़े हुए जो है ये नवाज है जो उनको बार बार भूखे दे रहे हैं वो अब यकीन करें इसके बड़े बेटे से 2 इंच बड़ा भूखे है और ये मैं अपना पेट छुपाने के लिए उसको आगे रखता हूँ और ये उसको खिलाना शुरू कर दिया अल्लाह का और मुझे सर दुख इस चीज़ का है कि मेरे भूखे को आज पेपर भी नहीं पहना और वो जब खवातीन दे रही है भूखे और तनखा दो भूखे को इस तरह का पकड़ा होता है वैसे मेरी बीवी ने देख लिया निकल आया कि अच्छा सर वो आप कह रहे थे कि वो टेबल मैंने अपने पेट छुपाने के लिए आप अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं सर। अरे ये किए कि यहाँ पे माशा आप हस्ब हाल तो बड़ा हल्का फुल्का सा प्रोग्राम है बगैर तैयारी के जाते हैं जो मुँह में आता है कह देते हैं जी, लेकिन यहाँ पे इतनी भारी भरकम और मोतबर और मोतमर शख्सियात मौजूद हैं। वाइस चांसलर साहब को कल से बहुत बड़े बैठे हैं जी, नफीज अख्तर साहब हैं, सारे किन किन का नाम होगी सारे मुझसे कार्ड कार्ड पे इल्म अदब में बहुत मोतबर हवाला है अपनी अपनी जगह। तो मैं तो बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ कि एक तो अपना पेट भी यहाँ छुपा अपनी एक कावती उठा के भी पेट भी छुपाना है इसको कुछ यार क्यों कर दो यार।